जी, फर्स्ट ईयर हमने जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। ठीक है, आप सबको स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा, लाइबा सईद। अच्छा, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है बच्चे वो इस तरह है कि हमने देखना है कि जो हमने पीछे डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि डाल्टन्स लॉ हमें डिफरेंट जो गैसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो बताता है। पार्शियल प्रेशर क्या था कि वो प्रेशर जो गैस के एटम जो हैं कंटेनर की वॉल्स पे लगाते हैं इंडिपेंडेंटली, हम उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चे जो बहुत आसान एप्लीकेशन है, इसकी मुश्किल नहीं है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमने आज दो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो हम देखते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा भाई, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कुछ गैसेस होती हैं वो ऐसा करती हैं कि अगर फर्ज करें हम जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपना लेबॉरेटरी में। ठीक हो गया, मैं अभी आपको एक इमेज दिखाती हूँ डाल्टन्स लॉ का। हाँ जी फर्स्ट ईयर, ये आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक वेजल शेयर हो रही है। ठीक है, उस वेजल में हमने ये किया है कि क्या किया है, उस वेजल में फर्ज करें कि वाटर है, ठीक है, पानी है उस वेजल में, उस पानी के साथ साथ क्या है हमारे पास, कुछ गैसेस, हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, नीचे पानी है और पानी का ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि ऊपर क्या आ रही है, गैसेज आ रही है, जो गैस है वो क्या हो रही है, ऊपर ही आ गया है। अगर कोई रिएक्शन वेजल है ना, अच्छा, जो रिएक्शन वेजल है वो क्या करता है, ऐसा होगा कि एक रिएक्शन वेजल है, एक बर्तन है, वहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन वेजल में कुछ गैसेस जो हैं वो उस वेजल के ऊपर आ जाएंगी। वैसे ये स्क्रीन पे एनोटेशन मत करें, ऐसे पंगे मत लें, लेक्चर की तरफ देखें, ये पंगे करना छोड़ दें। ठीक हो गया, मुझे समझ आ रही है जो स्टूडेंट कर रहा है, फिर मैं उसको मीटिंग से निकाल दूँगी। ठीक है, तो ऐसी हरकतें बंद कर दें अपनी। तो हमने एक वेसल लिया, उस वेसल में हमने क्या कराया, रिएक्शन कराया, इस रिएक्शन को हमने ऐसे कराया कि कुछ गैसेस जो थी वो मिक्सर के ऊपर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अगर फर्ज करें कोई रिएक्शन हो रहा है और कुछ गैसेस हमारी मिक्सर के ऊपर आ गई हैं, अब जो जो गैसेस मिक्सर के ऊपर आ गई हैं तो कहते हैं कि क्या होगा, अच्छा जो गैसेस कहते हैं मिक्सर के ऊपर आ जाएंगे, जो मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, ये ब्लैक डॉट्स हमें ये बता रहे हैं कि कुछ गैसेस ऐसे अगर रिएक्शन है तो उसके ऊपर गैसेस कलेक्ट हो गई हैं। आपको पता है कि कुछ गैसेस की जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती हैं, जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। अब गैस के जो एटम है इनकी डेंसिटी बहुत कम थी, इन गैस के एटम की जब डेंसिटी कम थी तो ऐसा हुआ कि ये गैस के एटम सरफेस के ऊपर आ गए। अब जब ये गैस के एटम कहता है सरफेस के ऊपर आए, तो जब इन गैस के एटम सरफेस के ऊपर आए तो ऐसा हुआ कि वाटर था तो वहाँ पर वाटर वेपर्स थे। मैम वेजल शो नहीं हो रही, कौन सी वेजल नहीं शो हो रही फर्स्ट ईयर आप लोगों को, फर्स्ट ईयर आपको मैम आवाज़ बच्चे स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को, बच्चे वेजल जो है वो ऐसे है कि मैंने एक छोटा सा वो बनाया हुआ बॉक्स, उसके अंदर मैंने गैस के एटम्स बनाए हैं, वही वेजल है। आप उसको देखें, अगर स्क्रीन शो हो रही है तो फिर सबको ही वेजल भी शो होनी चाहिए।
जी तो फर्स्ट ईयर अब जो है वो आप लोगों को वेसल शो हो रही है। वेसल में बेसिकली ये है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई वाटर था नीचे, कोई भी रिएक्शन करवा रहे थे हम लेबोरेटरी के अंदर, कोई भी रिएक्शन था, कोई भी आप जनरल रिएक्शन कह सकते हैं। जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे वो वेसल के ऊपर आ गए थे। ठीक है, आपको पता है गैस की डेंसिटी कम है, जब गैस की डेंसिटी कम है तो वो सरफेस के ऊपर आ जाएगी। जब वो सरफेस के ऊपर आ जाएगी तो कहता है कि वाटर है नीचे, तो वाटर वेपर्स जो है वो गैस क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब गैस वाटर वेपर को अब्जॉर्ब करेगी तो वो गैस क्या हो जाएगी, मॉइस्ट, कहते हैं गीले को, थोड़ा वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। अब कहते हैं कि जो उस मॉइस्ट गैस पे प्रेशर अप्लाई होगा वो दो चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, एक तो जो ड्राई गैस है जिसने वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब नहीं किया वो प्रेशर लगा रही है, दूसरी जो चीज़ प्रेशर लगा रही है वो वाटर वेपर्स हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, फिजिक्स पढ़ी थी आप लोगों ने, सिक्स चैप्टर, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स, तो आपने पढ़ा होगा कि वो प्रेशर जो पानी जो लिक्विड लगाता है, वाटर वेपर्स लगाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक्वस टेंशन लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीन को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर्स लगाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो कहता है एक्वस टेंशन जो है वो क्या होती है, वो प्रेशर जो वाटर वेपर्स लगाएंगे हम उस प्रेशर को एक्वस टेंशन कहेंगे। तो कहता है मॉइस्ट गैस जो प्रेशर लगाएगी वो किसके इक्वल है, ड्राई गैस के प्रेशर के, जिसने क्या किया था, वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब नहीं किया था, और जो इंडिविजुअली वाटर वेपर्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उन दोनों का जो प्रेशर है वो मॉइस्ट गैस के प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो पी मॉइस्ट किसके इक्वल है, पी ड्राई प्लस पी वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे वो, और जो ड्राई गैस प्रेशर लगाएगी वो, इन दोनों का कम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का जो प्रेशर होगा हम उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वो प्रेशर जो मॉइस्ट गैस लगा रही है। ठीक हो गया, आगे बात समझ की। तो कहता है पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई, पी ड्राई इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड पी वाटर वेपर्स इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स हैं पानी के बुखारात जिनको कहते हैं, ठीक है, जब आप पानी को उबालते हैं तो जो वेपर्स निकलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स। तो कहता है वो जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं और जो ड्राई गैस प्रेशर लगा रही है, उन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो प्रेशर किस पे लगेगा, मॉइस्ट गैस के। तो पी मॉइस्ट किससे इक्वल आ गई, पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। अगर हमने पी ड्राई को निकालना है तो पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन, ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी। तो अगर लेबॉर्टरी में हमने कोई गैस जो है वो कंटेनर के अंदर वेसल के ऊपर कलेक्ट की है और हमने उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो किससे इक्वल होगा, पी ड्राई प्लस पी वेपर 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 प्रेशर। पी ड्राई स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स, एंड द पार्शियल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। फर्स्ट ईयर में फिर बोल रही हूँ, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज सीखी है, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन वो है जो वाटर वेपर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे हम उस प्रेशर को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट ईयर, एक्वस टेंशन कहेंगे। ठीक हो गया। तो हमने किसी भी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, हमने किसी मॉइस्ट गैस का प्रेशर निकालना है, या हमने एक्वस टेंशन निकालनी है, तो अगर हमें दो चीज़ें गिवन हैं तो हम तीसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें पार्शियल प्रेशर मॉइस्ट गैस का दिया हुआ है और एक्वस टेंशन दी हुई है तो हम ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकेंगे। ठीक हो गई बात। सबसे पहली एप्लीकेशन होगी हमारी डाल्टन लॉ की कि हम एक्वस टेंशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमदा अनवर, ये बच्चे हरकतें स्क्रीन पे ना करें, मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी, ऐसी हरकतें ना करें। ठीक हो गया। तो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला है, मॉइस्ट गैस का भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, एक्वस टेंशन भी निकाल सकते हैं और ड्राई गैस भी। अब ये जो थी एप्लीकेशन पहली, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सेकंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा करें, अपनी बुक खोल लें और सेकेंड पॉइंट पे साथ ही लिख लें, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन का अमल हो रहा है तो डाल्टन्स लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, कहता है अब क्या है बच्चे, बात कुछ यूँ है कि हम जो इंसान हैं या हम जो जानवर हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इंसान भी तो जानवर ही है ना। तो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। क्यों करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल, क्योंकि बच्चों हमारी लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 116 टॉर है, और जो हमारी एयर है वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है। अब देखें, लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है
और एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। इस वजह से हमने पढ़ा हुआ डिफ्यूजन पढ़ी थी, डिफ्यूजन में ये पढ़ा था कि क्या होता है कि किसी भी चीज जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ पर जाती है, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। अब लंग्स में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है तो इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एयर में से कहाँ जाती है, लंग्स की तरफ जाती है। ठीक हो गई बात। इसी वजह से कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर हमारे जो लंग्स है उसके अंदर ज़्यादा था और एयर के अंदर कम था। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है दैट्स वाई वी ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर लंग्स इज लोअर दैन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। बच्चे खुशे फातमा, जो भी क्वेश्चन हैं वो हम एंड पे करेंगे। अभी आप लेक्चर को सुने, फिर हम इस मीटिंग के एंड पे जो है वो क्वेश्चन करेंगे व्हाट्सएप पे या जहाँ पर भी। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है कि लेक्चर को ही सुनना है। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू पर लिख लें, वट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन ही अंदर क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, हमारे लंग्स के अंदर कम है और हमारी एयर के अंदर 159 टार है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर लंग्स में जब कम है तो ऑक्सीजन एयर जो हमारा एटमोसफेयर है वहाँ से कहाँ पर जाती है, हमारे लंग्स में। अगर बुक पे देखें तो कहते हैं डाल्टन्स लॉ फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। व्हेन एनिमल इनहेल एयर द ऑक्सीजन मूव इनटू द लंग्स एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज 159 टार व्हाइल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स इज 116 टार, जो सामने आपको स्लाइड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट टू द इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द पार्शियल प्रेशर इज मोर इन द लंग्स दैन इट इन द एयर। हमारा जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लंग्स में क्या होता है, क्या है, हमारे लंग्स में ज़्यादा है और एटमोसफेयर में कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। ठीक हो गया। ये दो एप्लीकेशन हो गई। जो तीसरी एप्लीकेशन है वो ये है बच्चे कि जब भी जो है, एक मिनट जी बच्चे, आपको ये पेज शो हो रहा है जो पहले शो हुआ था बच्चे, ये पेज शो हो रहा है सबको, व्हाट्सएप पे बताना है कि पेज शो हो रहा है फर्स्ट ईयर। अब जो है बुक का पेज शो हो रहा है, चलें ठीक है भाई, हो रहा है। नो फर्स्ट ईयर, अब बताएं हो रहा है पेज शो बच्चे, अब देखें ठीक है भाई, बच्चे हो जाना चाहिए अब तो शो। ठीक हो गया, हो रहा भाई। तो आपने जो पॉइंट नंबर टू है, ये मैंने आपकी बुक की खोली हुई है, पॉइंट नंबर टू पे आपने लिख लेना है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब थर्ड पे आ जाएं तो कहता है कि जब हम हार्ट यहाँ पर भी आप क्वेश्चन लिख लें, थर्ड पॉइंट पे भी आपने क्वेश्चन लिखना है व्हाई पायलट फील्स अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड। क्वेश्चन लिख लें फर्स्ट ईयर, व्हाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड। कहता है जितना हम ऊंचाई पे पायलट जाता है उसको सांस अच्छे से नहीं आता। क्यों नहीं आता सांस अच्छे से, क्योंकि बच्चे जितना वो ऊपर जाता जाता है, कहता है बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अनप्रेशराइज्ड कैबिन इस लो, जो उसका कैबिन है, कहता है वहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो 159 टॉर से क्या है, लो हो गया। अब जाहिर है अगर उसका पार्शियल प्रेशर ही ऑक्सीजन का उस कैबिन में लो हो गया है तो उसको ऑक्सीजन इनहेल करने में मसला होगा, क्योंकि उसके एटमोसफियर में ही ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया है तो उसको ऑक्सीजन इनहेल जो है वो थोड़ी होगी। इसी वजह से कहता है कि जब हम हायर आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो जो जो पायलट है उसको अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग इस वजह से होती है क्योंकि उस कैबिन में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 टॉर से एयर के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को वो इनहेल आसानी से नहीं कर सकता, तो वो उसको ब्रीदिंग अच्छी तरह से नहीं होती। कहता है
बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अनप्रेशराइज्ड कैबिन इज लो एज कम्पेयर टू 159 टॉर वेयर वन फील कम्फर्टेबल ब्रीदिंग. समझ आ गई बात की ये क्वेश्चन नंबर थ्री है. अब क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थ्री है सॉरी क्वेश्चन पॉइंट नंबर फोर पर आ जाए. कहता है डीप सी डाइवर्स जो हैं वो जब आपने देखो वो किसी भी चैनल पे या कहीं पर भी वो डाइविंग करते हैं तो डाइवर्स ने एक साथ अपने बैग लिया होता है जो उनके यहाँ पर साथ मुंह के या नाक के साथ जहाँ से वो सांस लेते हैं वहाँ पर क्या होता है अटैच किया होता है क्योंकि वहाँ से उन्होंने क्या लेना होता है इनहेल करनी होती है गैस. कहते हैं जितना वो सरफेस के नीचे जाते जाते हैं डाइवर्स हर 100 फीट गहराई पे जब जाते हैं तो कहते हैं जो डाइवर है उसके ऊपर जो है गहराई में 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है जिससे आम जो एयर है वो आम एयर को वो इनहेल नहीं कर सकता. इस वजह से कहता है वो हीलियम गैस को यूज़ करता है. अब हीलियम गैस ही क्यों यूज़ किया क्योंकि हीलियम गैस एक इनर्ट गैस है. अब जब वो इनर्ट है तो इजीली कहता है वो क्या कर लेगी पार्शियल प्रेशर को बैलेंस कर लेगी. इसी वजह से कहता है कि हर 100 फीट डेप्थ पे हम जब हम जाते हैं तो नॉर्मल एयर को हम ब्रीद नहीं करते हम कोई भी एयर का मिक्सर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो स्मूद हो जाए. समझ आ रही है बात की होता कुछ यूँ है जितने आप डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ही हर 100 फीट की गहराई के बाद 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके लंग्स पे जो है ना वो एक्स्ट्रा अप्लाई होगा. जब आपके लंग्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई हो रहा है तो आप नॉर्मल एयर को ब्रीद नहीं कर सकेंगे. आपको कोई ऐसी गैस चाहिए ऐसी गैस का मिक्सर चाहिए ऐसी गैस का मिक्सर चाहिए जो इजीली आप उसको ब्रीथ कर सकें. इस वजह से हमने हीलियम गैस को यूज़ किया है. आप कोई भी जो है आप हीलियम गैस को ही क्यों यूज़ किया है क्योंकि हीलियम गैस आपको पता है एयर के अंदर हीलियम की कंसंट्रेशन होती है. अगर एयर को देखें तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अमाउंट है इसी तरह हीलियम की भी कुछ अमाउंट है. तो इस वजह से हमने हीलियम को ही यूज़ किया. वैसे भी हीलियम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो हम कोई भी गैस जो है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो उसको हम मिक्सर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. और कहते हैं जितना हम डेप्थ में जाते जाते हैं नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ती जाती है और वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है. तो इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाए तो भी वो अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए कहता है कि हमें एक लिमिटेड और एक एक्यूरेट परसेंटेज ही नाइट्रोजन की क्या करनी होती है डिफ्यूज़ करनी होती है. तो हमने अपने साथ जो है ऑक्सीजन बैग बोलते हैं उसको. आप देखेंगे कहीं पर भी हफ्सा अमानत अली. बच्चे लेक्चर ख़त्म होने वाला है आप अभी जो है अच्छा तो हमने क्या करना है इसको इनहेल करना है. ठीक हो गया. अच्छा ये थे हमारे एप्लीकेशन से डिफरेंट एप्लीकेशन से डाल्टन्स लॉ की जो हमने आज सीखी है. ठीक हो गया. पहली एप्लीकेशन ये थी कि कोई भी गैस है मॉइस्चर है अगर तो वो गैस उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगी तो मॉइस्ट हो जाएगी. हम ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं मॉइस्ट गैस का भी निकाल सकते हैं एक्वस टेंशन भी निकाल सकते हैं. फिर हम देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन जो है वो हमारे रेस्पिरेशन में कैसे है. फिर हम ये देखते हैं कि हायर आल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो पायलट है उसको बहुत ऊंचाई पर जाके उसी के कैबिन में उसको सांस क्यों नहीं आता क्योंकि उसके कैबिन को अलहदा वे से डिवेलप किया होता है. इसलिए उसके कैबिन में फिर डिफरेंट गैसेस भी रखी होती हैं ताकि जब उसको कंफर्टेबल ब्रीदिंग फील हो तो वो फौरन से उस गैस को इनहेल कर ले. ठीक हो गया. इसके अलावा जो है हमने ये देखा कि जब हम जितनी डेप्थ में जाते जाएंगे उतनी ही हमारे ऊपर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा तो नॉर्मल एयर हम ब्रीथ नहीं कर सकते. कोई भी एयर का मिक्सर यूज़ करेंगे जैसे हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिक्स कर लेंगे वो पार्शियल प्रेशर को हमारे अंदर एडजस्ट करेगी. फिर कहते हैं वैसे भी डेप्थ में जाते हैं तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है. यहाँ तक हमने करना है. दो क्वेश्चंस लिखे हैं. सेकंड पॉइंट पे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और थर्ड पे लिख लें व्हाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स. कोई क्वेश्चन है तो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ तो आप लोग कर लें. उसके बाद जो है अगर फिर भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे. अरिबा का क्वेश्चन है. अरिबा एक मिनट. जी फर्स्ट ईयर आप क्वेश्चन कर सकते हैं. मैडम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दी. कौन सा क्वेश्चन बच्चे वन बाय वन बोल रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है.
जी फर्स्ट ईयर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन जो है वो पूछें, क्या क्वेश्चन?